Jawaharlal Nehru University campus is once again on the boil. On Sunday, violent clashes erupted between two opposing factions on the JNU campus. Jawaharlal Nehru University is one of the top universities in India. However, Sunday's violence and the series of protests that followed completely puts to shame this university, which over the years has gained infamy for its aggressive student unions and violent campus politics. The reason why the Sunday violence took place is over an argument by left and right-wing students on whether or not chicken should be served at the hostel mess at JNU. It's hard to imagine that something as simple as this can lead to this kind of a clash within the university campus. किस तरह से नक्सलियों द्वारा फेस को भी दिखाओ हथियार से वो किया गया। अपन प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया नॉनवेज के नाम पे सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके की मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने। As silly as it may seem, the fight over non-vegetarian food soon spiraled into a sensitive issue that led to a violent scuffle between the student groups. So what really led to this violence? On Sunday, clashes erupted between the student groups over the JNU hostel mess serving chicken for dinner on the occasion of Ram Navami. Violent clashes broke out between the ABVP students, which is the students' wing of the RSS, and the left-wing student organizations. According to the left student activists, the ABVP had allegedly threatened the mess staff of Kaveri Hostel in JNU and also the truck driver who was making his routine Sunday delivery of non-vegetarian food. आज सुबह से एबीवीपी नॉन वेज खाना जो चिकन आज संडे है बनता है मेस में उसके ऊपर रकस क्रिएट कर रहे थे। हम लोग सब साबरमती में थे जहाँ अभी हम खड़े हैं और हम लोग को SOS मैसेजेस आना शुरू हुए तो हम लोग कावेरी पहुँचे। हम जब कावेरी पहुँचे तो हमने देखा कि एबीवीपी के गुंडे खड़े हुए थे और कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे थे। हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है वाईफाई का जो इक्विपमेंट है उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश की। हमारे सारे कॉमरेड्स पे उन्होंने अटैक किया। अख्तरिश्ता के ऊपर पत्थर मार के उनका सर फोड़ दिया। बाहर से हॉस्टल के बाहर से पत्थरबाजी की डस्टबिन फेंक के मारा ट्यूबलाइट्स फेंक के मारे एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब दिल्ली पुलिस गेट के बाहर खड़ा है। ऑन द अदर हैंड The ABVP students have alleged that the left-wing students interrupted the Ram Navami prayers at the Kaveri hostel and that's how the scuffle broke. मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी राम नवमी में तो हम लोग उसमें गए थे सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे और वो भी गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे हैं सिर्फ मार नहीं रहे। नमस्ते। आज कावेरी आज जो रामनवमी है आज के दिन कावेरी छात्रावास के कुछ रेसिडेंट्स ने पूजा ऑर्गेनाइज की थी। इस पूजा का पोस्टर जो है 3 दिन पहले निकल चुका था परंतु 3 दिन से लगातार इसी कैंपस के कुछ उपद्रवी तत्व लेफ्ट और NSUI के समर्थन से ये लोग लगातार धमकियां देते आ रहे थे कि तुम्हारा पूजा नहीं होने देंगे पूजा में बाधा डालेंगे। Following the Sunday clashes which left many students injured, the JNU students organizations called for a protest on Monday, which again led to commotion and name calling. जो ये एबीपी संगठन है ये हमेशा गुंडे की तरह काम करती है यूनिवर्सिटीज वगैरह में और इनकी हिम्मत भी ये इस वजह से है क्योंकि पुलिस बैक्ड है ये। एबीवीपी जब हमला करता है पुलिस सामने खड़ा रहता है पुलिस उसी जगह पर जेएनयू में रहता है उसका एक रिस्पांस नहीं आता ना पुलिस FIR करता है बसंतपुर में ताना घेरा जाता है तब भी दिल्ली पुलिस और तमाम उसके सैनिक बलों का कोई यहाँ रिस्पांस नहीं होता। यहाँ जब हम लोग अपने डेमोक्रेटिक रूप में यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तब दिल्ली पुलिस हम लोग को यहाँ खड़े होने तक नहीं दे रहा है हम लोग को यहाँ डिटेन कर रहा है। The violent student politics in JNU once again gave enough fodder for political parties and religious groups. Like in past instances, politicians and religious organizations used the JNU incident to shoot over the students' shoulders and run their political and religious agendas. JNU, वहाँ पर जिस प्रकार से राम भक्तों की पिटाई की गई, उनके सर फोड़े गए, हवन तक नहीं करने दिया, उस JNU में फौजियों की पिटाई हो सकती है, उस JNU के अंदर ये लेफ्ट लिबरल्स भारत के टुकड़े के नारे लगा सकते हैं,
लेकिन वहां के ऊपर राम का उत्सव नहीं मनाया जा सकता। BJP's Amit Malviya took a dig at CPM after the JNU violence and asked, is it a coincidence that on the day Sitaram Yechuri got an extension, comrades in JNU went on a rampage, attacked ABVP activists as if it was a vindication of sorts to see their supreme leader hold on to office for another term? Is Kaveri Hostel of JNU their last bastion? This is Dr. Udit Raj of the Congress saying, JNU mein puja paath aur non-veg ka jhagda nahi hai. Maksad hai barbaad karna. Aadha kar chuke hain. What's worse, politicians started siding with student organizations to flare up hatred. They began tweeting videos of injured students to lash out at the opposing faction. Twitter was filled with hateful tweets like this one from a BJP karyakarta. JNU student Divya was grievously injured with a broken glass bottle as she arrived to attend the Ram Navami Havan on the JNU campus. ABVP students were subjected to lewd abuses by AISA and SFI goons. And with that, the pseudo-secular brigade has gone into hibernation. This is not the first time JNU has been in the thick of a storm. In 2010, there were allegations that some students had organized a meeting to celebrate the killing of 76 CRPF men in Dantewada in Chhattisgarh. In 2016, a few students organized a protest march inside the college campus to commemorate the hanging of Afzal Guru. Again in 2016, we saw how anti-India slogans were raised by some students, which finally snowballed into a huge political controversy. Apart from these protests and marches, every now and then, the college has seen small and big clashes like the Sunday's clash over Ram Navami and non-vegetarian food. The problem with marches, protests and clashes in JNU is that what happens in JNU does not stay in JNU. It soon snowballs into a political controversy with political parties taking sides, running their own political agendas. They often shoot over the shoulders of the students and the students give these politicians enough ammunition to go on a mudslinging match. This is what was left behind after the violent clashes on Sunday. JNU is one of the foremost universities in India, which has produced some of the best minds in our country. Once upon a time, the university used to be a hub where students could discuss and deliberate upon issues freely without fear of being harassed or attacked. Over the years, violent student politics has overtaken the very ethos of this university. The violent clashes and ugly spat that took place on Sunday should be a wake-up call to the university administration, which has so far remained a mute spectator. It's high time the university takes action against all the students who are turning the campus into a combat zone. Merely issuing warnings and notices will no longer help to stem the tide.